हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर केहत चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिकन पॉक्स और मीजल्स में क्या अंतर होता है या फिर क्या फ़र्क होता है। वैसे तो चिकन पॉक्स और मीजल्स इन दोनों में भी उस पेशेंट को बुखार आता है, इसके साथ साथ उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर रैश आती है। तो रैश आना और बुखार आना ये दोनों में भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं, तो इसके वजह से बहुत से पेशेंट कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा चिकन पॉक्स है और कौन सा मीजल्स है। तो आज की इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे कि चिकन पॉक्स और मीजल्स इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम फीवर के बारे में बात करेंगे। तो फीवर मीजल्स के पेशेंट में भी आता है, उसी तरह चिकन पॉक्स के पेशेंट में भी आता है। तो फीवर से हम मीजल्स और चिकन पॉक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद बात करेंगे फ्लू लाइक सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, मीजल्स के पेशेंट में उस पेशेंट को फीवर के साथ साथ फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि उस पेशेंट का नाक बहना, इसके साथ साथ पेशेंट को छींके आना, खांसी होना, गले में खराश होना, सर दर्द होना, ये सब लक्षण मीजल्स के पेशेंट में देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ चिकन पॉक्स के बारे में बात करें तो चिकन पॉक्स के पेशेंट में फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं होते। जैसे कि चिकन पॉक्स के पेशेंट में उस पेशेंट को सर्दी, खांसी, जुकाम होना, छींके आना या फिर गले में खराश होना, सरदर्द होना, ये बाकी जो भी साइंस और सिम्टम्स है जिनको कि हम फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते हैं, ये फ्लू लाइक सिम्टम्स चिकन पॉक्स के पेशेंट में नहीं होते, लेकिन फ्लू लाइक सिम्टम्स मीजल्स के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स में उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, लेकिन अगर हम मीजल्स की बात करें तो मीजल्स के पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होती। अगर थकावट महसूस होती भी है तो भी फिर भी वो व्यक्ति इतनी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं करता जितनी कि एक चिकन पॉक्स का पेशेंट महसूस करता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रेड के बारे में। अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स का जो फैलता है या फिर चिकन पॉक्स का जो स्प्रेड होता है वो एयरबॉर्न होता है, मतलब कि चिकन पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एयरबॉर्न के थ्रू भी फैल सकता है। इसी के साथ साथ चिकन पॉक्स किसी दूसरे व्यक्ति को रैश के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से भी फैल सकता है, मतलब अगर चिकन पॉक्स के व्यक्ति के बॉडी के ऊपर जो रैश आती है उसके कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति में भी चिकन पॉक्स हो सकता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें मीजल्स के बारे में तो मीजल्स में रैश के थ्रू इन्फेक्शन नहीं फैल पाता। मीजल्स में सिर्फ कॉन्टेजियसनेस जो होती है, मतलब स्प्रेड जो होता है, वो सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर उस डिसीज़ के एयरबॉर्न होने की वजह से ही होता है। इसके बाद एक ज़रूरी सिम्टम जिसके आधार पर हम मीजल्स और चिकन पॉक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो होता है रैश का। तो अगर हम चिकन पॉक्स के बारे में बात करें तो चिकन पॉक्स के पेशेंट में जो रैश आती है वो बबल लाइक होती है और उस रैश को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। इसके बाद अगर हम मीजल्स में जो रैश आती है उसके बारे में बात करें तो मीजल्स में जो रैश आती है वो स्मूथ नहीं होती, वो स्पॉट के फॉर्म्स में होती है और वो इररेगुलर होती है, उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप और फॉर्म फिक्स नहीं होता। तो इस तरह से जो रैश आती है वो मीजल्स में होती है। तो अभी हमने जो 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे कि फीवर, इसके बाद उस पेशेंट के फ्लू लाइक सिम्टम्स, इसके बाद उस पेशेंट के रैश, इसके बाद मोड ऑफ स्प्रेड और इसके बाद हमने बात की फटीग या फिर वीकनेस के बारे में। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है जिनको अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सी बीमारी चिकन पॉक्स है और कौन सी बीमारी मीजल्स की है। मीजल्स के बारे में हमने हमारे पुराने वीडियो में डिटेल में बात की हुई है। अभी हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। और अगर आपके इन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स के बारे में कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।